नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज और आज के वीडियो में हम बात करेंगे IBPS RRB ऑफिस स्किल 1 के ऑफिशियल कट ऑफ के बारे में। तो देख सकते हैं कि आपके सामने एक लिंक कट ऑफ नहीं सीधा स्कोर कार्ड IBPS RRB ने रिलीज कर दिया। ऑफिसर स्केल का रिजल्ट भी घोषित हो गया था और आज स्कोर कार्ड को घोषित किया गया। मैं अपने मार्क्स को यहाँ शेयर करूँगा, ठीक है। तो यहाँ आप देखिएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का लेवल हार्ड नहीं था, आसान लेवल था और कट ऑफ मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं गया है क्योंकि इतना कट ऑफ जा सकता रहा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है कि RRB वाले सेक्शन पे जाना, नहीं तो ऊपर एक लिंक मिलेगा। इस पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो अगले पेज पे आप पहुंच जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा व्यू, क्लिक हेयर तो व्यू और स्कोर ऑनलाइन एग्जामिनेशन RRB ऑफिसर स्किल 1, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे जब क्लिक हेयर टू, यहाँ पे जब क्लिक कीजिएगा तो इस पेज पे पहुंचिएगा। यहाँ पे आपको एक लिंक मिला हुआ है, क्लिक हेयर टू व्यू स्कोर प्रीलिम्स से ऑफिसर स्किल 1। अब मैंने यूपी से अप्लाई किया था, मैंने अपना स्कोर कार्ड देख लिया। ये देख सकते हैं कि ये मेरा स्कोर कार्ड है। मेरा नाम देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और डेट ऑफ एग्जामिनेशन EWS, और उत्तर प्रदेश से मैंने अप्लाई किया था। मुझे लगा था कि ठीक ठाक पेपर था, मेरा पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, आसानी से अटेम्प्ट कर सकते थे। यहाँ पे मैंने रीजनिंग में ठीक ठाक अटेम्प्ट किया था, मुझे 100% मार्क्स मिले हुए हैं, एक भी नंबर कटा नहीं है। और मैथ्स में भी अच्छा अटेम्प्ट किया था। मेरा टोटल स्कोर यहाँ पे 47.25 आ रहा है। और यूपी से मैंने अप्लाई किया था, यूपी का कट ऑफ दोस्तों ज़्यादा गया है, 54.50 गया 80 में से। पीओ के लिए काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ होता है ये। मैं तो यहाँ सेक्शनल क्वालिफाई हो चुका हूँ बट मैं यहाँ पे ओवरऑल क्वालिफाई नहीं कर पाया क्योंकि मेरा कट ऑफ से काफ़ी कम है। जनरल का देख सकते हैं कि 54.50 कट ऑफ गया, तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ है दोस्तों इस बार। और यूपी का हर बार कट ऑफ ज़्यादा जाता है, लास्ट ईयर के तुलना में कम कट ऑफ है, पर यूपी का मुझे लगता था कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगा और इस बार ज़्यादा देखने को मिल गया, ठीक है ना। तो यही मेरा स्कोर है, आप देख सकते हैं कि मेरा कितना मार्क्स आया। और ये मैंने उतने अच्छे से भी तैयारी नहीं किया था, मेरा जो फोकस था दूसरे एग्जाम पे था, तो इसलिए एग्जाम आसान था, आप चाहते तो निकाल सकते थे। इस बार पेपर का लेवल बहुत आसान था, रीजनिंग बनने वाला था। आप लोगों को पता है कि 25 तारीख को शायद मेंस का एग्जाम होने वाला है, तो अगर जिसका भी मेंस निकला है वो तैयारी करे मेंस का। और मैंने अपना स्कोर शेयर कर दिया और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।